لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكفيك بعد ایک با پھر بابر، حازر هدمته. आज जिस मौजू पर बात हो रही है वो है हज बैतल क़ुरान पाक के अंदर अल्लाह शरीक इर्शाद फरमाते हैं इसकी फ़र्जीत नशेकती साबित है जैसा कि आपने वक्फ़े से पहले भी अहदीस नबी पेश की गई है और उससे पहले कुरान मजीद वालफरक़ान हमीद के आए मुबारक वल्आनास हिज़ुलब मनस्ता सबीला ومن वमन <الْعَالَمِينَ> का फरफ इन ये आए मुबारक का अख्ताम वीद पर होता है हज बैतल् करने की बहुत शादत है बरकत है गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट एक किस्म का मिल जाता है कि अकाल ही सलात सलाम ने फरमाया जो बैतुल्ल शरीफ़ का हज करता है अल्लाह के रज़ा के लिए उसकी हुशनुदी के लिए तो जब वो वापस लौटता है तो गुनाहों से पाक होता है जिस तरीके से एक बच्चा दुनिया में आता है तो उसी लिहाज से इस आया मुबारक के अंदर आया वल्न्नास लोगों पर लाजम है कि अल्लाह के घर का हज करें जो इस्तात रखते हैं और जो हज बैतल्ला नहीं करते उनके बारे में क़रान के अंदर है वल्ल वन्नास फिर हज का कुफर किया इनकार कर दिया मुनकर हो गया माल भी है सवारी भी है साहिब नसा भी है इसके बावजूद भी वो अल्लाह के घर का हज नहीं कर रहा जियारत के लिए नहीं जा रहा तो उसके लिए वमन काफरफ आलमीन अल्लाह ताला गनी है बेनियाज है आलमीन से उसे किसी की परवाह नहीं है हम अल्लाह के मोहताज हैं अगर हम कुफर करेंगे नमाज जिस तरीके से अगर हम नमाज नहीं पढ़ते बंदा मोमिन की और मशरक़ की और काफिर की पहचान हदीस शरीफ के अंदर आया है कि मोमिन नमाज अदा करता है और काफिर नमाज अदा नहीं करता इसी तरीके से अगर हम हज ब्यातल्ला करते हैं तो हम अपने लिए जन्नत में ठिकाना और घर बना लेते हैं अगर नहीं करते कुफराना करते हैं तो अल्लाह तो बेनियाज है बेपरवाह है उसे हमारे हज की हमारी नमाजों की हमारे रोज़ों की ज़रूरत नहीं है उसकी इबादत के लिए उसके फरिश्ते इतने हैं उसकी इबादत के लिए फरिश्ते कोई सजदों में हैं कोई क़्याम की हालत में है कोई रुकू की हालत में है हर वक्त उसकी तस्बी हो तहलील हो रही है ज़मीन के अंदर कायनत के अंदर दरख्त के पत्ते भी उसकी तस्बी कर रहे हैं समंदर के अंदर मछलियाँ भी उसकी तस्बी बयान कर रही हैं तो हदीस शरीफ के अंदर भी आए मुबारक के अंदर जिसमें कहा गया कि अल्लाह के घर का हज करो तुम्हारे ऊपर लाजिम है अगर इस्तात रखती हो तो आयत का अख्ताम होता है वमन गनी आलमीन। जो इनकार करे अल्लाह गनी है आलमीन से अल्लाह को वो बे परवाह है वह बेनियाज है तो हदीस शरीफ के अंदर भी हज अदा ना करने की वाइद है सैद्लामरत रदील्ह त से रिवायत है हज़ू करीन सल्लाम का इरशाद है जिस शख्स के पास इतना खर्च हो और सवारी का इंतज़ाम हो बैतुल्ला शरीफ जा सकता हो जिस शख़्स के पास इतना खर्च हो साहिब नसाब हो सवारी का ख़र्चा भी हो बैतल्ला शरीफ की जीारत के लिए आसानी से जा सकता हो फिर भी वो हज ना करे अल्लाह के घर के जियारत के लिए ना जाए तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे इसके बाद नबी पाक सल्लाम ने यह आया मुबारक तिलावत की वल्लास आलमीन तो नाजरीन कराम समीन जवील अख्ताम इस आय मुबारक के अंदर ये अदीस नबी जो सदनामरतजारदी अल्लाह त से रिवायत है नबी पाक सल्लल्लाहु वसल्लम ने नेतद फरमाया जो साहिब निसाब हो साहिब इस्तात हो हज बैतल्ला का हर्चा बर्दाश्त कर सकता हो वहाँ जाने का हर्चा रहने का हर्चा अगर पीछे बीवी और बच्चे हैं अयाल का खर्चा एक महीने का वो देकर जा सकता है जितने दिनों के लिए वो जा रहा है अल्लाह के लिए अल्लाह की रजा के लिए उसे पाने के लिए ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो हज ना करे जो इनकार कर दे जो जो हज बैतुल्ला ना करे सुस्ती कर दे गफलत कर दे उसके बारे में अकाल सलात वसलाम ने फरमाया अल्लाह को कोई परवाह नहीं है चाहे वो यहूदी हो के मरे या नसरानी हो के मरे इसके बाद अकाल ने वामबार का तिलावत की कि लोगों के ऊपर लाजम है कि वो अल्लाह के घर का हज करें और जो साहिब इस्तात रखते हैं और जो इनकार करे व मन काफा रफा इला गनीमीन जो इनकार करे अल्लाह बेपरवाह है वह गनी है तो नाजरीन क्राम अल्लाह के रज़ा के लिए उसकी खुशनुदी के लिए उसे पाने के लिए हज बैतल्ला शरीफ के जियारत के लिए जाना ये बहुत बड़ा अजर सवाब है दूसरी हदीस शरीफ के अंदर आया हजरत अबू सईद हजरी रजी अल्लाह त मरवी है हजूर सल्लाम ने रादात फरमाया जिस शख्स के पास माल हो साहिब इस्तात हो और पाँच साल के बाद उसे चाहिए कि अल्लाह के घर का हज करे तो उससे क्या हो होगा अल्लाह ताला उसकी रोज़ी के अंदर बरकतें रख देते हैं उसकी उम्र के अंदर बरकतें रख देते हैं उसके उलादों के ऊपर अल्लाह वहदाशर्क़ खूसी फ़जल करते हैं खसूसी करम करते हैं जो बंदा ऐसा हो कि मैंने उसको सेहत अता की हो अल्ला वहदलाशर इर्शाद फरमाते हैं जो बंदा ऐसा हो कि मैंने उसे सेहत अता की हो और उसकी रोज़ी में वसत दे रखी हो उसे माल दिया हो उसके पास दौलत हो साहिब नसाब हो उसके ऊपर पाँच साल ऐसे गुजर जाएं कि वो मेरे दरबार में हाजिर ना हुआ हो तो वो महरूम है तो वो अपने आप को महरूम लोगों में तसव्वुर करे अल्लाह ने सेहत भी दी हो अल्लाह ने माल भी दिया हुआ हो और फिर भी इसके बावजूद ये तोफ़ी नहीं मिल रही कि अल्लाह के घर का हज किया जाए हदीस शरीफ के अंदर आया पाँच सालों के अंदर कम से कम जो साहिब नसाब हैं उन्हें ज़रूर जाना चाहिए हज मबरूर करना चाहिए तो अल्लाह वह आशरीक हज की बरकत से गुनाहों को माफ फरमाने का वादा किया है इमाम गजाली यहाँ तक फरमाते हैं जो शख्स हज का फरीजा अंजाम दे ये फ़र्ज अदा करे और उसके बाद ये तसवर करे, ये ख्याल करे कि मेरे गुनाह क्या पता माफ़ हुए कि नहीं तो ये भी बहुत बड़ा गुना है ये ख्याल करना जो हज करता है अल्लाह के रज़ा के लिए घर से निकलता है अपना माल हज करता है माली इबादत भी है और बदनी इबादत भी है मेहनत करता है मशक्क़्त करता है रास्ते के अंदर सफ़र के अंदर सफ़र के अंदर सब्र करता है फिर हज करने के लिए जाता है फैमिली से दूर होता है बच्चों से दूर होता है वालदे से दूर होता है तो इसका अजर सवाब भी उस लिहाज से है बहुत फजीलत है जैसे कि पहले हदीस नबी पेश की गई कि जो हज बैतुल्ला के लिए जाता है उसके गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है उसकी बख्शिश और मफरत का वादा फरमा दिया जाता है और वह ऐसे लौटता है जैसे एक बच्चा आज ही पैदा हुआ हो आज ही उसे माँ ने जन्म दिया हो जिस तरीके से वो बच्चा गुनाहों से पाक होता है मासूम होता है उसी तरीके से हाजी जब हज करने के बाद वापस लौटता है तो वो गुनाहों से महफूज होता है तो हदीस शरीफ के अंदर कितनी फजीलत है कितनी बरकतें हैं फिर एक दूसरे हदीस शरीफ के अंदर अकाल सलात वसलाम ने फरमाया जो हज बैतल् करता है शरीक उसे किसी का मोहताज नहीं करते अल्लाह शरीक उसके रिज के अंदर बरकतें रख देते हैं सेहत के अंदर बरकतें रख देते हैं माल के अंदर बरकतें रख देते हैं जवानी के अंदर बरकतें रख देते हैं औलाद के अंदर बरकतें रख देते हैं और दूसरा फरमाया वो फकीर नहीं होता गुनाह भी माफ हो रहे हैं मोताजी भी दूर हो रही है और जो शख्स ये सोचे कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं गुनाह माफ़ हुए कि नहीं तो इमाम गजाली यहां तक फरमाते हैं ये भी गुना है ऐसी सोच रखना तो बहुत ज़्यादा फजीलत है आपने कुरान और अदीस नबी अलैहि वसल्लम की रोशनी में सुना अल्लाह ला शरीक अमल की तौफीक का फरमाए अब हम चलते हैं वक्फे की जानब इन दोबारा हाजिर खिदमत होते हैं असल إن الحمد والنعمة لك والملك لا إله لبيك الله